Hey, y'all, come look at this. आइए देखते हैं बैरचंद मजा आएगा। सोहे का ही स्वागत है आपका एक और सोलो कॉन्करर की जानदार शानदार रैंक पुशिंग गेम प्ले वीडियो में। एंड मेरे भाई आज वाले वीडियो में भी दो गेम प्ले रहने वाले हैं और भाई दोनों गेम में हम चिकन निकालेंगे। खैर यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग मेरे को ये बताओ कि भाई इंट्रो कैसा लगा। फिलहाल भाई यहाँ पर बात करते हैं अपने फर्स्ट वाले गेम की। अब देखो मैं उतर आता है कि यूएस पर एंड यहाँ पर मेरे साथ में दो बंदे और उतर जाते हैं और भाई तुम्हारे भाई की किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है, इस वाले यूएस की ड्राइविंग मेरे को मिल जाती है एंड पहला बंदा तो यहाँ पर बैठ जाता है, दूसरे बंदे को मैं कुचलने की काफ़ी ट्राई करता हूँ। अब यार यहाँ पर दूसरा बंदा भी आखिरकार यहाँ पर मेरी यूएस में बैठ ही जाता है, लेकिन इनको क्या पता था भाई इनका अब खतरनाक माइनस होने वाला है। बस तुम लोग देखो मेरे पास में भी गन नहीं है और गन तो इनके पास में भी नहीं है, बट तुम्हारा भाई इन दोनों को किल करेगा। अब तुम लोग इंजॉय करो। हेलो हेलो भाई हेलो। मैं भाई सुन रहा है क्या? हेलो भाई माइक ऑन कर भाई। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ये बॉय मैं भाई मारियो मत यार, तू ले जा यार। I am sorry, Babu. अब यार यहाँ पर एक दो दिन पहले भाई तुम लोगों ने वीडियो देखी होगी जहाँ पर कि भाई मेरा 42 का माइनस लगा था एंड भाई वहाँ पर मेरे को काफी ज्यादा दुख हुआ था, तो भाई मैं इनको क्यों छोड़ूं। खैर यहाँ पर मेरे को एक बॉट भी स्पॉट हो जाता है एंड यार यहाँ पर इस वाले बॉट को फिनिश करते के साथ ही टोटल यहाँ पर अपने 3 किल तो हो चुके थे। उसके बाद तो वहाँ पर मैं थोड़ी बहुत लूटपाट और कर लेता हूँ, मेरी बेसिक सी लूटपाट हो जाती है एंड उसके बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सर्कल में एंड ये वाले कंपाउंड में लूट ही रहा था, तब यार यहाँ पर एक लैम्बो की रोटेशन आती है। अब यार यहाँ पर पहले तो मेरे को लगा था कि ये बंदा यहाँ पर क्यों आया, बट यहाँ पर जैसे मैं राइट की तरफ देखता हूँ मेरे को पता पड़ता है इधर मेरे पास ही में एक ड्रॉप गिरा था एंड ये बंदा उसी ड्रॉप को लूटने के लिए आया था। एंड फिलहाल तो यहाँ पर इस बंदे की करेट में लूट लेता हूँ एंड जैसे यहाँ पर मैं और लूटपाट कर रहा होता हूँ तब यार यहाँ पर मेरे को एक और बाइक का साउंड आता है। फिलहाल भाई जैसे यहाँ पर मेरे को इस बंदे की बाइक का साउंड आता है मेरे को पता पड़ गया था कि ये बंदा भाई हो ना हो ड्रॉप लूटने के लिए जरूर आएगा, तो भाई यहाँ पर मैं कैंप करने लग जाता हूँ एंड जैसे ये बंदा आता है इस वाले भाई को भी यहाँ पर हम इजीली किल कर देते हैं। फिलहाल तो इस बंदे की करेट वरेट में लूट लेता हूँ एंड उसके बाद तो नेक्स्ट सर्कल जो था वो इधर था नहीं एंड फिलहाल के लिए तो मेरे को सर्कल में जाना था। जैसे मैं सर्कल में जा रहा होता हूँ तभी मेरे को यहाँ पर एक बंदा स्पॉट होता है। फिलहाल भाई यहाँ पर तुम लोगों को ये वाला एएमआर का शॉट कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में अभी के अभी बताओ। खैर यहाँ पर इस बंदी की करेट लूट के जैसे मैं दोबारा से इधर आता हूँ तभी इधर एक यूएस की रोटेशन आती है। अब यार यहाँ पर मैं जब भी क्रोजा चलाता हूँ भाई मेरे पे गाड़ी का स्प्रे तो भाई बिल्कुल भी नहीं दिया जाता एंड यहाँ पर पूरा का पूरा स्प्रे चौक हो जाता है। खैर यहाँ पर इस बंदे को मैं जैसे तैसे फिनिश कर देता हूँ, उसके बाद तो यहाँ पर इस बंदे की करेट भी लूट लेता हूँ एंड यार यहाँ पर इस बंदे की करेट से मेरे को अच्छी खास लूट मिल जाती है। उसके बाद तो मेरे को सर्कल में भी जाना था।
फिलहाल भाई जैसे यहाँ पर मैं सर्कल में आता हूँ मेरी एक बंदे से फाइट होती है एंड इस बंदे के पास में भी डीवीएस थी और तुम्हारे भाई के पास में भी डीवीएस थी, बट मैं इसको फिनिश कर देता हूँ एंड उसके बाद तो नेक्स्ट सर्कल जो था वो अगेन मेरे से शिफ्ट हो चुका था। एंड यार इसी के साथ में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन वी वन की सिचुएशन बची थी और भाई लास्ट वाले बंदे की लोकेशन का मेरे को कोई भी आइडिया था नहीं, तो यहाँ पर मैं चेक करने के लिए आता हूँ बट वो इधर था नहीं एंड अभी के लिए मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब यार यहाँ पर मैं सैक में भी जंप करके देखने की ट्राई करता हूँ बट इधर मेरे को स्पॉट नहीं होता है, तो मेरे को ये तो पता पड़ गया था कि बंदा सैक में तो है नहीं, तो यहाँ पर बंदा देखो कहाँ पर होता है। अब यार यहाँ पर मेरे को नहीं पता ये बंदा यहाँ पर जोन में क्या ही कर रहा था, खैर यहाँ पर अभी के लिए तो इसको सर्कल में आना था। एंड भाई जैसे यहाँ पर ये बंदा सर्कल में आने की ट्राई करता है इस वाले भाई को भी यहाँ पर हम इजीली किल कर देते हैं और इस वाले गेम में अपने 12 किल हो चुके थे। फिलहाल देखो कितना मेरे को प्लस मिलता है। एंड यार यहाँ पर इस वाले गेम में मेरे को 25 का काफी अच्छा प्लस मिल चुका था। बाकी तो बढ़ते हैं अपने सेकंड गेम की तरफ। अब देखो यहाँ पर मैं सर्कल में जा ही रहा होता हूँ तभी मेरे को सामने साइड में एक बंदा स्पॉट होता है जो कि भाई बिल्कुल ओपन में लेटा था। अब यार यहाँ पर ये बंदा जो होता है सामने साइड में किसी बंदे पे कैंपिंग कर रहा होता है एंड ये बंदा मेरे को स्पॉट हो जाता है। अब देखो ये उस बंदे को मारेगा एंड मैं इसको मारूंगा। फिलहाल यार यहाँ पर ये बंदा जो था ये जिस बंदे के लिए कैंपिंग कर रहा था ये उसको तो मार देता है, लेकिन ये बंदा अब जाता है उस बंदे की करेट लूटने के लिए एंड यहाँ पर मैं इंतजार करता हूँ कि बिल्कुल ओपन में जाए। एंड यार जैसे यहाँ पर ये बंदा ओपन में जाता है इस वाले भाई को भी यहाँ पर हम इजिली किल कर देते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर मैं इस बंदी की करेट वरेट लूट लेता हूँ एंड उसके बाद तो इस बंदी की करेट से मेरे को फ्लेयर गन भी मिल जाती है। फ्लेयर गन से यहाँ पर मैं BRDM मंगा लेता हूँ एंड BRDM लेकर जैसे सर्कल में जा रहा होता हूँ तभी अब यार जैसे ये बंदा मेरी BRDM पर M249 चलाता है मेरे को पता पड़ गया था कि भाई ये तो इधर ही फोड़ देगा, तो इधर से भाग लेता हूँ एंड उसके बाद मैं आ जाता हूँ बिल्कुल सेंटर में एक बंदे पे रश करने के लिए। अब यार यहाँ पर मैं सेंटर में सही सलामत तो आ जाता हूँ। अब यार यहाँ पर मेरे को ये नहीं पता था कि भाई इस वाली बिल्डिंग में एक बंदे या फिर दो बंदे हैं, अब यहाँ पर कितने भी बंदे हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपनी BRDM से बिल्कुल भी नहीं उतरता हूँ। एंड यार यहाँ पर थोड़ी बहुत देर होल्ड करने के बाद मेरे को पता पड़ता है कि इधर एक ही बंदे के फुटस्टेप आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी एक राउंड लगा ही लेता हूँ। एंड यार यहाँ पर राउंड लगाने के बाद मेरे को सिर्फ एक ही बंदे के फुटस्टेप आ रहे हैं, तो एट द एंड मैं इधर जंप कर देता हूँ और रश कर देता हूँ इस वाले बंदे पे।
एंड यार यहाँ पर इस वाले भाई की किस्मत कुछ ज्यादा ही बेकार थी। इसको एक बंदा बाहर की तरफ से भी मारने लग जाता है एंड ये बंदा जैसे ही अंदर की तरफ आता है इस बंदे को भी यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ। उसके बाद तो यहाँ पर मेरे को बाहर की साइड से एक और बंदे का साउंड आता है। और भाई यहाँ पर इस बंदे को भी हम इजीली फिनिश कर देते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1v1 की सिचुएशन थी एंड लास्ट वाले बंदे पे भी मैं रश करने के लिए निकल लेता हूँ। एंड यार यहाँ पर ये बंदा मेरी BRDM पे फायर करने में इतना बिजी हो गया भाई, मेरी BRDM के नीचे ही आकर मर जाता है एंड इस वाले गेम में भी इजीली चिकन निकल लेते हैं। फिलहाल इस वाले गेम से भी तुम लोग प्लस देखते जाना एंड फिलहाल तो गाइस यही था आज वाली वीडियो में। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय। Victory belongs to us.